घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही है। क्या हुआ, मैंने पूछा। ये आंखें क्यों लाल कर रखी हैं? सब खैरियत तो है ना? आज इस कमीने ने बीवी के कहने पर फिर इस बुढ़िया को मारा। वो फिर हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या, वो इसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया जुबान चलाती होगी, बहू के मामलात में दखल देती होगी। मैंने इसका गम गलत करने के लिए कहा। जुबान चलाती होगी, मामलात में दखल देती होगी। आपको कुछ पता भी है, इस बेचारी को फालिज है, उठने बैठने के लिए सहारे की मुहताज है। अटक अटक कर अपनी बात पूरी करती है, बीवी ने तलखी से जवाब दिया। पहले तुमने कभी नहीं बताया कि इसको फालिज है, मैंने अनजान लगते हुए कहा। हजार दफ़ा तो बताया है, मगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ याद रहे ना, बीवी बोली। अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं, मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है गुड़िया को अपने घर ले आऊँ कुछ दिनों के लिए, मेरी बीवी ने कहा। क्या क्या कहा, पागल हो गई हो, पराई मुसीबत अपने गले डालूंगी। मुझे इसकी सोच पर गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए, इसने मेरे गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहा। शायद वो पहले ही सब प्लान बना बैठी थी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ को, माँ हमको, मैंने कहा। इसकी बीवी कई मरतबा कह चुकी है कि बुढ़िया कहीं दफा तो हो नहीं सकती, कुत्ते की सी जान है, मरती भी नहीं, बीवी ने कहा। अच्छा ये कहती है वो, मैंने अपनी बीवी का दिल रखने के लिए कहा। बस अब आप मान जाएं और अपने घर ले आए, ये कहते हुए वो मेरे पहलू में आ बैठी। और यही इसका खतरनाक हमला होता है, अपनी बात मनवाने का। अच्छा जी, अब इस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम इसको संभाल भी लोगी, मैंने कहा। अपने बच्चे तो हैं नहीं, मैं भी घर में सवाई टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी बहला रहेगा, इसने उदासी से कहा। हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूमी थी। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में क्या हर्ज है, कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पर राज़ी हो जाएगा। अगर राज़ी हो गया तो मैंने सोचा फिर एक हफ्ते की ही तो बात है, अगर बाद में अपने ही गले पड़ गई तो। अचानक मुझे ख्याल आया, अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो मैंने इस खदशे का इजहार बीवी से किया। ये तो और अच्छी बात है, इसने खुश होते हुए कहा। सच कहते हैं औरत बेवकूफ़ होती है, मैंने दिल में सोचा। अगले दिन शाम को काफ़ी सोच विचार के बाद मैं इनके घर गया, कुछ बात करने के बहाने ड्राइंग रूम में बैठा। इसने झूठे मुंह भी चाय का नहीं पूछा, तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक इसे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है, वो आपकी वालदा का इलाज करना चाहती है। यह सुनकर इसने किसी खुशी का इजहार ना किया, तो मैंने बात जारी रखी कि इसमें मसला ये है कि आपकी वालदा को हफ्ते भर हमारे ही घर रहना होगा, आप फिक्र ना करें, हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर इसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले तासरात पैदा हुए। इसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। इसने और भी खुशी महसूस की, कहने लगा सलीम साहब मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना लग जाए। और यूं इस तरह अम्मा मुस्तकिल हमारी ही होके रह गई। अगले दिन वो बुढ़िया हमारे घर मुंतकिल हो गई। बस वो बुढ़िया क्या थी, सफ़ेद रुई का गाला सी थी, नूर का एक ढेर सा, लागर सी, कमज़ोर सी, जैसे ज़माने भर के गम इसके नूरानी झुरियों भरे चेहरे पे तहरीर थी, आंखों के बुझते चराग कप कपाते हों। मुनासब खुराक और देखभाल ना होने की वजह से हालत और ज़्यादा ख़राब थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से इसकी सेवा में जुट गई, इसके लिए हर चीज़ नहीं खरीदी, कंबल, बिस्तर, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही ना चला महीना गुजर गया। पहले इसकी बहू हर दिन दो दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात ना इसने की ना हमने। दूसरा महीना मैं और एक ही दफ़ा आई, घर की मसरूफियत का रोना रोती रही।
तीसरे महीने के बाद इसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। ये गालबन सातवां महीना है, इस आदमी को इसकी बीवी ने कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई, और यूं अम्मा सिर्फ हमारी ही होके रह गई। इधर जैसे जैसे अम्मा की तमन्नाई बहाल हो रही थी, चेहरे पर रौनक मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसा लगता था जैसे मुझ पर धन बरसने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थीं। तीसरे साल हम तीनों, मैं, बीवी और अम्मा ने हज की सआदत हासिल की। गुलिस्तान जौहर में 500 गज का बंगला खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ 7 साल रही। हर पल इनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम मियाँ बीवी खुशी से फूले ना समाते। अजीब करामत यह हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर इनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है, जैसे कोई अपना कहीं खो गया हो। हमने कभी भी इनसे इनका नाम तक ना पूछा, बस इनसे इसी खलूस का रिश्ता था। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मैंने देखा है कि महशर का दिन है और सब हैरान और परेशान खड़े हैं, इनमें मैं भी खड़ी हूँ, कि इतने में अम्मा आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मनीरा इधर आ मेरे साथ, तुझे पुलसरात पार करा था। मैं इनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे, थोड़ी देर में बाग खत्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया, तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पुलसरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी ज़ोर से हंसने लगी। फिर मेरी आँख खुल गई। मुबारक हो गई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। कसम से मैं इतनी परेशान थी कि चलो खैर, हमें भी कोई ना कोई मिल ही आएगा और पुलसरात करा देगा, आमीन, बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा। और फिर इसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा ख्वाब मैं भी देख चुका हूँ। बस फर्क ये था कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था, चलो तुम्हें मुनीरा के पास ले चलूँ, वो पुलसरात के पार है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तहरीर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।